तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों आज के वीडियो में हमें स्टैमिना बढ़ाने के लिए, उसके साथ स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम आज कुछ वर्कआउट देखेंगे जो फाटले का वर्कआउट बोलते हैं। बहुत अच्छा दोस्तों वर्कआउट है, इससे आपका स्टैमिना बढ़ता है, रनिंग में स्टैमिना बढ़ता है। चाहे आप ग्रुप डी की तैयार करते हो, चाहे किसी भी इवेंट की तैयार करते हैं, चाहे आप आर्मी की तैयार करते हैं, दोस्तों इस वर्कआउट को करने से आपका स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा और स्टैमिना भी बढ़ेगा। मतलब आप दोस्तों 16 मिनट रनिंग करने के बाद आप कुछ नहीं होगा, मतलब आप इजी, आपको थकान बिल्कुल नहीं महसूस होगी, आप बहुत अच्छे तरह से वर्कआउट करेंगे। इसलिए दोस्तों मैं आज ऐसे आपको फाटले का वर्कआउट बताऊंगा कि उस वर्कआउट को करने के बाद आपका स्टैमिना स्ट्रेंथ बहुत बढ़ता है, आपका रनिंग का टाइम भी कम होता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपको स्टैमिना बढ़ाना है, आपका अगर स्टैमिना बिल्कुल नहीं है, आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है, आपको क्या करना है, जो यहाँ पर 400 मीटर का राउंड है, यहाँ पर आपको दो चक्कर लगाने हैं, 400 मीटर के दो चक्कर लगाने हैं। वो भी कैसे, आपको स्पीड से लगाना है, 80% एफर्ट से आपको दो राउंड लगाने हैं। और दोस्तों उसका टाइमिंग आना चाहिए लगभग 2:50 से लेकर 3 मिनट तक। और फिर उसके बाद देखो दोस्तों, और इम्पोर्टेंट बात, आपको रुकना बिल्कुल नहीं है, आपको दो राउंड लगाना है तभी आपका स्टैमिना बढ़ेगा। और दो राउंड जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं, फिर उसके बाद आपको दोस्तों एक राउंड स्लो जॉगिंग करना है, मतलब आपको दो राउंड स्पीड से लगाना है और उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह से स्लो जॉगिंग करना है और पूरा करना है, आपको एक राउंड स्लो जॉगिंग करना है। और दोस्तों आपको बिल्कुल रुकना नहीं, अगर आप रुकोगे तो वर्कआउट आपका अच्छा नहीं होगा, इसी को हम पाटले वर्कआउट भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आपको स्लो जॉगिंग करना है, एक राउंड स्लो जॉगिंग करना है। और जॉगिंग करने के बाद आपको विदाउट रेस्ट, उसके बाद आपको ABC एक्सरसाइज करना है, आपको 40 सेकंड का सेट करना है। मतलब आप पहला एक्सरसाइज हम करेंगे यहाँ पर स्किप, आपको राउंड पर लगाना है, मतलब आपको दोस्तों राउंड पर स्किप, बेस्किप, हाइनी, बैकनी, इस तरह से 4 एक्सरसाइज करना है। सबसे पहला आपको इस तरह से स्किप करना है और दोस्तों 40 सेकंड तक करना है। आपको दोस्तों पैर आपके बिल्कुल थकेंगे, बहुत थकेंगे, इसके वजह से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। इस तरह से आपको 40 सेकंड आपको स्किप लगाना है। फिर उसके बाद 40 सेकंड होने के बाद विदाउट रेस्ट आपको 20 स्किप लगाना है, मतलब आपको दोस्तों रेस्ट बिल्कुल लेना नहीं, अगर आप रेस्ट लोगे तो आपका परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं होगा। दोस्तों इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हो, आपको सिर्फ वीक में एक बार इस तरह से वर्कआउट करना है, फिर उसके बाद आपको 20 स्किप इस तरह से अच्छे से करना है दोस्तों। और आपका ज़्यादा पैर ऊपर नहीं उठता क्योंकि आप में स्टैमिना बिल्कुल रहता नहीं, इस तरह से आपको उसके बाद बेस स्किप भी आपको 40 सेकंड करना है। और बेस स्किप होने के बाद आपको हाइनी एक्सरसाइज करना है, आपको 90 डिग्री पैर उठाना है। और दोस्तों आपका पैर नहीं उठता, आपको ट्राई करना है फिर भी, ये दोस्तों बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है, इससे आपका स्टैमिना बहुत बढ़ता है। और ये हाइनी एक्सरसाइज भी आपको 40 सेकंड करना है, मतलब आपको सबसे पहले 4 एक्सरसाइज करना है और 40 सेकंड तक आपको 4 एक्सरसाइज करना है। फिर उसके बाद आपको बैकनी करना है, फिर बैकनी भी दोस्तों आपको 40 सेकंड करना है। और ये सभी एक्सरसाइज होने के बाद फिर उसके बाद आपको 100 मीटर में आपको 90 एफर्ट से आपको 4 स्प्रिंट लगानी है, मतलब दोस्तों आपको यहाँ पर रेस्ट बिल्कुल नहीं लेना। इस तरह से आप प्रैक्टिस करें, इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका स्टैमिना बहुत बढ़ता है। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इस तरह से आप वीडियो देखते रहना, मैं बहुत अच्छे तरह से वीडियो बनाता हूँ, आपको भी वीडियो का फायदा मिलेगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।